टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। तमिलनाडु के तिरुपुर में कपड़ा इकाइयां सूती धागे की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में 16 से 21 मई तक बंद रहेंगी। केंद्र द्वारा कपास पर आयात शुल्क कम करने के बाद सूती धागे की कीमत में 40 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तिरुपुर गारमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को एक बयान में हड़ताल की घोषणा की। कपड़ा इकाइयां ज़्यादातर निर्यातक चिंतित हैं कि सूती धागे की कीमतों में बढ़ोतरी से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा और इसलिए वह 6 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे। तिरुपुर परिधान उद्योग का सालाना कारोबार लगभग 36,000 करोड़ रुपए का है। कारोबारियों का कहना है कि नवंबर 2021 में कपास मिलों ने यार्न की कीमत में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की थी और यार्न को 350 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा गया था। अब भारत सरकार द्वारा आयात शुल्क में कमी के बाद हम यार्न की कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर रहे थे, इसके बजाय मिलों ने इसके दाम 40 रुपये प्रति किलो और बढ़ा दिए, जिसके साथ अब वह जीवित नहीं रह सकते। उनके पास विरोध के रूप में अपनी इकाइयों को बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। कारोबारी केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि कीमत स्थिर होने तक सूती धागे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनका कहना है कि उत्तर भारत में व्यापारियों द्वारा कपास की जमाखोरी की संभावना है, जिससे उत्पाद की कमी हो रही है। उत्तर भारत में कपास व्यापारी उत्पाद की जमाखोरी कर रहे हैं और इसलिए मिले कीमतें बढ़ा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब कपास के लिए आयात शुल्क घटाने की घोषणा की गई तो कपास कैंडी की कीमतों में तत्काल गिरावट आई, लेकिन अब कपास कैंडी की उपलब्धता कम होने से इसकी कीमत बढ़ चुकी है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।